हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? तो आप सामने ये जो देख रहे हैं, ये 500 वाट स्पीकर है, पीए ऑडियो स्पीकर है। ये 500 वाट 15 इंच है, ठीक है, प्रोफेशनल लाउड स्पीकर है। इसमें बेस, ट्रेबल और मिड काफ़ी अच्छा आपको सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। पीए ऑडियो के अंदर है ये, और ये अभी चार यहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और एक हमने यहाँ रख रखा है। तो ये मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी पट्टी निकाल देता हूँ। पूरा सेफ्टी से आता है, और ये जो आप स्पीकर देख सकते हैं, इसके अंदर रखा हुआ है, पॉलिथीन के अंदर पैक है। हालांकि मैं इसको ओपन कर चुका हूँ एक बार, तो आप यहाँ देख सकते हैं 500 वाट का है स्पीकर, 8 ओम के अंदर है, ठीक है, और BM सीरीज है, प्रोफेशनल लाउड स्पीकर है, मेड इन थाईलैंड है। ओके, क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका बेस का पंच भी बहुत ज़बरदस्त सुनने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्दा बहुत सॉलिड है, ये 15 इंच का है, और भी ये तीन रखे हुए हैं, अभी मैं सब ओपन करके आपको दिखाऊंगा। बॉक्स हमारे जो हैं यहाँ रखे हुए हैं, ये चौकोर वाले बॉक्स हैं जो हैं, ठीक है, चौकोर में है ये, JBL डिज़ाइन में नहीं है, जो क्रॉस में आता है ना बैक साइड में, जैसे मेरे ये रखे हुए हैं स्पीकर, ये देखिए आगे से चौड़े हैं और पीछे साइड से ये कम हो जाते हैं, ये लेकिन चौकोर में है, ठीक है। अभी हम जो है इस पे से असेंबल करेंगे, तो हम जो है अभी इसको बॉक्स अंदर ले आते हैं यहाँ पे, और इसे भी जो है ओपन कर लेते हैं। और HF भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 प्लस का ये रखा हुआ है, 60 वाट का ये HF है ये, ठीक है, ये हमने कस रखा है। तो हम किस तरीके से कसेंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये, और ये नेटवर्क प्लेट भी है हमारे पास। पहले हम इसको एक बार कनेक्ट करके रेडी करके रखते हैं। एक तो ये हमने रेडी किया ही हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, बाकी यहाँ पे इसमें हम कस लेंगे, ये इसका एक कैप निकाल लेंगे, और यहाँ पे इसको आराम से कस लेना है, आराम से चूड़ी मिला के कसना है, जिसकी रिंग्स होती है ना वो पूरी मिलानी है, और इस तरीके से इसे कस लेंगे। तो ये हमारा जो है दो HF दो बॉक्स के रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, और ये नेटवर्क प्लेट भी रखी हुई है हमारे पास, हम इसे भी ओपन करके दिखा देते हैं। ये 80 प्लस की जो है नेटवर्क प्लेट है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे अभी हम पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये सिर्फ HF की प्रोटेक्शन के लिए लगाएंगे हम, स्पीकर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ में स्ट्रेंजर की PPT जो 501 मशीन होती है वो हम यूज़ में लेते हैं इसके अंदर, तो उसमें ओवर सप्लाई जाती ही नहीं है। बाकी पंच, बेस, ट्रेबल, मिड सब बेस्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो मैं अभी जो है वीडियो आपको दिखाता जाता हूँ कैसे क्या क्या कर रहे हैं हम। तो अभी हम जो है इसको प्रॉपर हम इसको ओपन कर लेते हैं सभी स्पीकरों को, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ओके। और बॉक्स भी मैं लाके यहाँ रख लेता हूँ जो बाहर रखा हुआ है, एक इस तरीके से यहाँ पे पूरा ये है, पूरा पैक रहता है बिल्कुल। ये दूसरा बॉक्स जो है हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसे जो है पेचकस से ही ओपन करना पड़ेगा हमें। एक ये बाहर जो ओपन किया था ये हम ले आए हैं यहाँ पर, और ये कंबल हमने एक इसलिए बिछा रखा है टेम्परेली यहाँ, क्योंकि मेरे मूवी थिएटर में पूरा कचरा हो जाता है इन सब कामों के चक्कर में, तो इसलिए जो है हम इसको आराम से ओपन करेंगे, और ताकि कचरा वगैरह ना हो अंदर, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से पैक रहता है बिल्कुल, इसको निकाल लें यहाँ से, तो इसे हम प्लास से पकड़ के खींच लेंगे, ताकि क्योंकि इसकी जो पैकिंग है काफ़ी बढ़िया तरीके से होके आती है। आपको दोस्तों यदि 15 इंच के स्पीकर भी चाहिए तो इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट करें, बेस्ट प्राइस में मेरे पास अवेलेबल है ये, बस कूरियर चार्ज आपका जो है अलग लगेगा। थर्माकोल बाहर ही ले जाना इसको, तो यहाँ पे जो है स्पीकर ये रखा हुआ है, ठीक
ये हमने दूसरा भी निकाल लिया है यहाँ पे। अभी हम फिलहाल एक बॉक्स को रेडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने दो तो खोल लिए हैं, बाकी इसको देखना है, कचड़ा भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये दो बॉक्स हमने यहाँ पे, दो स्पीकर यहाँ निकाल के रख लिए, क्योंकि अभी हम फिलहाल एक ही बॉक्स को कनेक्शन करके दिखाएंगे। क्योंकि एक का कनेक्शन दिखाएं या दोनों का कनेक्शन तो सेम ही होगा, इसलिए हम सिर्फ एक का ही कनेक्शन आपको यहाँ दिखाएंगे, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे जो है सब सामान हमने रेडी कर रखा है, और अभी ये बॉक्स हमने फर्स्ट में रख रखा है, तो इसे ही हम यहाँ से खोलेंगे। हालांकि ये रस्सी से बंधा हुआ था, लेकिन हमने इसको ओपन करके चेक करके लेके आते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स चौकोर में है और काफ़ी सॉलिड प्लाई के अंदर है ये, ओके। तो हमने यहाँ पे मशीन लगा ली और यहीं पे जो है ओपन इसकी जाली जो है हम खोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके सारे बोल्ट हमने खोल लिए हैं और ये यहाँ पे हमने ओपन कर लिया ऐसे, ठीक है। इसे हमने बाहर इसलिए खोला क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कचरा लगा रहता है, क्योंकि हम अपनी चीज़ तो बहुत साफ़ सफाई से रखते हैं, लेकिन हर किसी से वैसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो है अपनी हो चाहे किसी की भी चीज़ हो, उसको क्लियर ही रखते हैं बिल्कुल। कचड़ा वचड़ा हमको भी, जब किसी अपने को ही पसंद नहीं तो किसी को भी क्या पसंद आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर धूल भी है, ऑटो में आया है पूरा ये, तो धूल वूल इसमें चला ही जाता है ये, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर करके अंदर लेके चलेंगे हम इसे। तो ये अभी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है इसे जितना पॉसिबल था, ठीक है। और बाकी अब हम इसे उठा के अंदर ले चलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क प्लेट जो है मैंने यहाँ पे कस दिया है। अब हम जो है HF का कनेक्शन करेंगे। तो ये जो वायर है यहाँ पे, ये HF में लगेगा ग्रीन वाला, तो हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो हरा वाला जो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये वाला बाहर जो पावर वाला रहेगा स्पीकर से कनेक्ट करेंगे हम इसको यहाँ से, ठीक है, ताकि इसको सप्लाई इस बोर्ड को मिलेगी। ये वाला HF में आएगा, ओके। हरा वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। तो HF को हम यहाँ रख लेते हैं, ये कसा हुआ है, तो हम इसका माइनस प्लस लगाते हैं। अभी वायर मेरे को छीलना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं इसको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो है प्लस का है, तो हमने यहाँ रेड में लगा दिया है, और ये माइनस वाला ब्लैक में लगा दिया है HF में, ठीक है। तो HF को जो है हम यहाँ अंदर कर देते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा एकदम वैसे इधर भी खसक जाएगा, इधर भी खसक जाएगा, तो इसका एक्चुअल जो है हम सेंटर निकाल के फिर इसे जो है कसेंगे यहाँ पे, ओके। तो मैं इसका एक बार सेंटर निकाल लेता हूँ इंची टेप से, और उसके बाद में फिर मैं इसको तो कस देता हूँ, फिर स्पीकर के वायरिंग पाएंगे हम, है ना। तो ये जो है बिल्कुल सेंटर में हमने इसे मिला लिया है लेफ्ट राइट से, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरह कर लेंगे इसे। और फिर मैं अब इसमें बोल्ट कसता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो HF को यहाँ पे कस दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा यहाँ वाशर लगा के ही कसा है मैंने, चार जगह तो वाशर लगाया है, तो क्योंकि मुझे लग रहा था इसके मत्थे जो है निकल जाएंगे शायद, इसलिए मैंने यहाँ वाशर लगा के स्क्रू कसा है पूरा का पूरा, ठीक है। अभी हम आएंगे स्पीकर के सेटअप पे, ठीक है। इसका वायर वगैरह हमने ला के रखा हुआ है इस पॉलीथीन के अंदर, हमें निकाल के और फिर उसको लगाता हूँ। तो यहाँ पे HF कसने के बाद हमने जो है इसके जो माइनस का माइनस प्लस का प्लस लगा लिया है, और यहाँ पे जो है हम 15 इंच स्पीकर एक अपना यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ रख के जो है हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, माइनस में माइनस प्लस में प्लस, और इसे अब जो है हम यहाँ पे रख देंगे, फिर हम नेक्स्ट फिटिंग की तरफ चलेंगे। और ये है कि हम इसका देख के ही, वैसे तो सभी करते हैं हम भी PRDO जैसे, ये सेम टू सेम एकदम एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए और सीधा लगना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने ये वायर इधर ले आए हैं, ओके। तो इसे हम नप्ती कर लेंगे कि कितना लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं, हाँ इतना वायर एक्स्ट्रा में रखा हमने, क्योंकि कभी होता है ना, वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेरे पास देखिए हमारे स्पीकर में इतनी है, गणपति जी की कृपा है, और हम भी क्या है ना थोड़ा अपना
सही साटी कनेक्शन करते हैं मतलब, और हम क्या 2 ओम पे नहीं चलाते हैं इसे, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि 2 ओम पे चलाओ 2 एम पे। भैया 2 ओम पे क्या होता है, स्पीकर ज़्यादातर जलता है, सप्लाई ज़्यादा मिलती है, और 21 22 का ही फ़र्क आता है 8 ओम पे और 2 ओम के अंदर। ठीक है, हमारा जो है पूरा सेटअप जो है डीजे का, ये डीजे स्पीकर जो भी किराए से चलते हैं जहाँ पे भी, पूरे हमारे जो हैं हम उसे 8 ओम पे ही चलाते हैं, मतलब 2 ओम पे नहीं चलाते हैं। हमको खुद चलाना आता हो तो हम थोड़ा चला लेते हैं, लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता है उसमें, बल्कि ऐसा लगता है थोड़ा ट्रैवल ही कम हो जाता है। ठीक है, कटर वो रखा चाहिए था तो हम इसमें जो है अभी कनेक्शन कर लेंगे इसका, और ये दोनों वायर जो है छील लेंगे अभी, ऐसे कट कर लेंगे। साउंड एकदम धमाकेदार ही आता है। और ये वाला बॉक्स अभी मैंने जो है, मेरे पास में JBL डिज़ाइन में जो आते हैं ना, बैक साइड से थोड़े कम हो जाती है गहराई, ये चौकोर में लिया है, तो इसमें जो है बेस की क्वालिटी थोड़ी और सॉलिड आएगी। ये पी ऑडियो स्पीकर का मेट ट्रेबल बेस बहुत ही अच्छा है इसका, बेस भी बहुत, बेस का पंच भी बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे वायर पूरा हम यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे लगा लेंगे। और यहाँ माइनस का माइनस में और प्लस का प्लस में लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे रखना है, लेकिन इससे पहले, हमको कसने से पहले वायर को जो है लॉक करना है हमें, क्योंकि ये अंदर खींचे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम अभी ये लेके आए पत्ती, इससे हम वायर को दबाएंगे उसमें गठान लगाने के बाद। ओके, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ गठान मार लिया है, और हम तो यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ गठान मार दिया है, और ये जो है हम यहाँ पे स्पीकर कसने की जो जाली की जो होती है ना, उसी से ही हम इसकी गठान को रोकेंगे हम, ताकि ये बाहर ना फेंके। तो हम इसको एकदम सेफिशेंट तरीके से कसना है, एकदम ज़्यादा ना कम। ताकि सिर्फ स्पीकर की जो गठान है वो रुकी रहे बस, बाकी वायर पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अच्छी तरीके से अपने इसको, अगर वायर बाहर को कोई खींचेगा भी तो ये खींचेगा नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको कस दिया है इतना कि यहाँ पे कोई वायर अगर गलती से, वैसे तो कोई खींचता नहीं, गलती से यदि खींचता है तो गठान की वजह से यहाँ पे लॉक हो जाएगा ये, तो हम इस तरीके से जो है इसे लॉक कर देते हैं। और अब जो है हमारा एक बॉक्स का जो है प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो चुका है, तो हम इसे जो है यहाँ पे रख लेते हैं, और अब इसको नॉर्मली बस जैसे स्क्रू कसते हैं हम, इसी तरीके से कसना है इसको आराम से। अब फिर बाकी का आप देखो, पूरी फिटिंग तो मैंने आपको दिखाई दी है, वायर बैग से निकल गया है। अब मैं सेम इसी तरीके से दोनों स्पीकर रेडी कर लूँगा अपने, फिर मैं आपको जो है इसमें कोई सॉन्ग भी प्ले करके दिखाऊंगा, मैं मतलब सुनाऊंगा आपको, और नो कॉपीराइट वाला जो NCS का म्यूज़िक आता है वही मैं आपको इसमें टेस्ट करवाऊँगा, और आप हेडफोन लगा के ही उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हेडफोन या एयरफोन या अपने होम थिएटर में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे चैनल पे प्रोजेक्टर का या होम सिनेमा इंस्टॉलेशन का ही काम है, ये आप देख सकते हैं पूरा होम सिनेमा इंस्टॉलेशन का ही काम है मेरा, ये तो नया काम मैंने शुरू कर दिया है इसका, डीजे बॉक्स का, क्योंकि अभी मेरे पास इसके भी ऑर्डर आने लग गए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके स्पीकर ऐसे ही रखे हुए हैं, इससे हम पूरे कसेंगे अभी, वॉशर वगैरह लगा के ऐसे ही रखे हुए हैं ये। ठीक है, काफ़ी इसमें बेस की क्वालिटी अच्छी मिलेगी हमें, तो मैं बाकी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, इसको कस लें हम फिर। ओके, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने HF और स्पीकर जो है पूरे के पूरे कस चुके हैं, और यहाँ सब पे हमने वाशर लगाए हैं,
ठीक है, क्योंकि चलते चलते ये क्या होता है, ये उचक जाते हैं, तो स्क्रू वहीं रहते हैं, स्पीकर बाहर आ जाते हैं कई बार, ऐसा होता है, सब तो नहीं होते, कुछ कुछ नट उचक जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है ना कि एकदम मतलब कभी हो सकता है कि आउट ही हो जाए, इसलिए हम क्या हमारी मतलब बोलते हैं ना अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही रहती, तो अपन क्या करते हैं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तजुर्बा हो गया, तो अपन ने सब जगह यहाँ पे वॉशर लगा दिए हैं बिल्कुल, और ये कंप्लीट कर दिया है बॉक्स ये वाला, बाकी हम ये जो जाली है इसकी लेके आ रहे हैं और यहाँ लगा के अभी इसको जो है कस देंगे हम, ये जाली रख दी है, अब कसने का प्रोसेस तो इजीली है, बस स्क्रू रखा और कसना ही है, ठीक है, बाकी मैं इसकी टेस्टिंग भी करवाऊंगा, दूसरे वाले को भी रेडी कर लूँ मैं, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ओके। तो दोस्तों ये दूसरा वाला बॉक्स भी हम यहाँ रेडी कर रहे हैं, एक तो हमने यहाँ रेडी करके रख दिया है ये, ठीक है, और दूसरे वाले का भी हम अभी काम कर रहे हैं, लाइट चली गई थी अभी, मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो वीडियो मुझे स्टॉप ही करना पड़ा, और अभी जो है हम यहाँ पे नेटवर्क प्लेट भी कसेंगे इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नेटवर्क प्लेट जो है हम कसेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ रख के, ये थोड़ी ऐसी जगह पे है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कसना, तो आराम से कसना पड़ेगा, थोड़ी सी भी सेटिंग इधर उधर हुई तो समझ लो ये प्लेट भी टूट सकती है। यहाँ पे थोड़ी ऐसी जगह है कि यहाँ पे क्या है ना, मशीन भी नहीं चलती है सही से, तो इसकी थोड़ी सेटिंग बिठा के यहाँ करना पड़ता है आराम से, तो ये हमने यहाँ पे जो कस दिया है, बाकी ये वाला जो है हम इसको पेचकस से कस देंगे यहाँ पे, क्योंकि मशीन इस पे चल ही रही, फिर ज़्यादा वो करेंगे ना तो ये क्या स्लिप होने लगेगा फिर ये, तो यहाँ पे जो है नेटवर्क प्लेट हम कस रहे हैं। तो दोस्तों ये बॉक्स बन के रेडी हो गया है, नो कॉपीराइट म्यूजिक मैंने यहाँ चला दिया है, तो अभी मैंने इसमें जाली नहीं कसी हुई है क्योंकि स्पीकर वगैरह भी दिखाने देखे, कसने के बाद इस तरीके से आपका ये स्पीकर हालांकि दिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन वो क्या थोड़ा पर्दा चलते हुए भी दिखाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इसको क्या अभी पूरा जाली नहीं कसा है, एक को कस दिया है, एक को ऐसे ही रखा है लूज़, और नो कॉपीराइट म्यूज़िक जो मैं इसमें चला रहा हूँ।
तो दोस्तों ये मैंने ऑडियो भी इसका सुना दिया, काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर बेस भी आ रहा है, मेड ट्रेबल सब आ रहा है। इसी चोकोर वाले बॉक्स में थोड़ा सा बेस का क्वालिटी ज़्यादा आता है, और जो अपना JBL डिज़ाइन में आता है क्रॉक्स के अंदर जो रहता है थोड़ा पीछे साइड में दबा हुआ रहता है जो, उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा दूर तक रहती है, ठीक है। ये लेकिन बेस के हिसाब से मैंने रेडी किया है ये, और इसको जो है स्ट्रेंजर का मशीन जो PPD 501 से मैं चला रहा हूँ इसको, तो काफ़ी अच्छा इसमें ऑडियो जो है आ रहा है, ठीक है। तो आप ये परचेस करने के लिए भी, और यदि भोपाल से हो तो किराए से भी ले जाने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऑल इंडिया में डिलीवरी है अपनी, सब जगह हम पहुंचा सकते हैं, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करें ये परचेस करने के लिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये मैंने यहाँ पर लॉक कर रखा है इसको, क्यों, क्योंकि इसको क्या है ना, ये अपना 6% पे हमने इसको लॉक कर दिया है, क्योंकि मशीन 500 वाट का है और स्पीकर टोटल देखा जाए 500 वाट और 60 वाट का HF है, तो अपन मान के चलो समथिंग, मतलब मान के चलिए 2000 वाट का अपना पूरा हो जाता है ये मशीन 500 वाट है, तो हम इसको ज़्यादा ऊपर करते हैं ना यदि वॉल्यूम यहाँ तक। हालांकि उसकी नीड नहीं पड़ी आज तक कभी भी, लेकिन कभी कोई चला दे अब नशे पत्ते में है या दारू वारू ड्रिंक कर रखा है, कोई भी किसी का भरोसा नहीं रहता, इसलिए हमने इसको क्या बोल्ट को ही एक होल्ड कर दिया ताकि इससे ऊपर जाए नहीं, ताकि मशीन ट्रिप ना मारे, ठीक है। तो ये हम अभी इसको इतनी इसलिए लॉक कर रखा है ये। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।